पूर्वी एशिया के समंदर में चीन पहले ही एक ताकतवर देश बन चुका है। अब हिंद महासागर पर बढ़ती उसकी गतिविधियां भारत को परेशान करने वाली है। चीन एक पैटर्न पर अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रहा है। वो यहाँ के देशों की मदद करके अपनी ताकत में इजाफा करने में लगा है। हिंद महासागर चीन के लिए काफी अहम है, क्योंकि अब ये क्षेत्र उसके लिए व्यापार और ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने का जरिया बन गया है। दरअसल चीन धीरे धीरे हिंद महासागर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिशों में लगा है। इसका एक और उदाहरण है केन्या में लामू बंदरगाह, जहां पर हाल ही में केन्या की तरफ से कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया है। ये पोर्ट लामू साउथ सूडान और इथियोपिया के बीच एक बड़ा महत्वाकांक्षी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। लामू केन्या के उत्तरी हिस्से में आने वाले मोबानसा में है। इस प्रोजेक्ट को केन्या का गेम चेंजर प्रोजेक्ट करार दिया जा रहा है। लामू बंदरगाह ऐसे समय में तैयार हो रहा है जब चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कई तरह की आलोचनाओं से घिरा है। अफ्रीकी बंदरगाहों पर चीन के निवेश और चीन के मैरिटाइम सिल्क रोड प्रोजेक्ट के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बन गया है। जो बात सबसे ज्यादा चिंताजनक है, उसके तहत लामू में चीन के निवेश के बाद न सिर्फ केन्या पर इस देश की पकड़ मजबूत होगी, बल्कि चीन की नौसेना भी ताकतवर हो जाएगी। चीन इस बंदरगाह का निर्माण भी बतौर डेवलपमेंट पार्टनर कर रहा है, लेकिन उसकी नजरें हिंद महासागर पर लगी हैं। गौरतलब है कि लामू पोर्ट के साथ चीन हिंद महासागर के एक और पोर्ट पर कब्जा कर लेगा। चीन पहले ही हिंद महासागर पर तेजी से सक्रिय है। अब क्षेत्रीय ताकतों के साथ मिलकर वो एक सुरक्षित मिलिट्री बेस तैयार करने में लग गया है, ताकि पूरे क्षेत्र पर उसकी गतिविधियों में कोई मुश्किल ना आए। लामू बंदरगाह के बाद चीन जब चाहेगा तब हिंद महासागर पर अपनी गतिविधियों को बढ़ाता रहेगा। ये बंदरगाह उसकी बढ़ती ताकत का भी सबूत है। आपको बता दें कि चीन के अलावा भारत समेत कुछ और देश भी यहाँ से व्यापार करते हैं। हिंद महासागर इंडियन नेवी के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसी भी प्राकृतिक या फिर मानव जनित आपदा के समय सबसे पहले इंडियन नेवी ही सक्रिय होती है। वहीं चीन के इस कदम का भारत क्या तोड़ निकालता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।